из поколения мужчин, выращенных женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा। हमारी एक वीडियो पे 8000 के आसपास व्यूज़ चले गए हैं, हमारी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्पेशल थैंक्स आपके लिए एक और, क्योंकि हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लेके आए हैं एक और वीडियो, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि 4K HDR CC बिल्कुल अल्ट्रा HD क्वालिटी में कैसे करना है। दोस्तों, एक भी स्टेप मिस मत करना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी तरीके चलते हैं हमारे एलाइट मोशन ऐप में। तो मैंने अपना एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जिस भी रेशियो में आपको वीडियो बनानी है वो रेशियो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से कुछ शेप ले लेनी है। शेप को यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे। दोस्तों, इस पर आपको जितने भी इफेक्ट लगाने हैं मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ, फिर उनकी सेटिंग्स बताऊँगा। तो पहला इफेक्ट लगेगा हमारा कॉपी बैकग्राउंड का, इसको बंद कर दिया। फिर जो दूसरा इफेक्ट लगेगा वो लगेगा हमारा परकोशन ब्लर, ये भी लग चुका है। तीसरा इफेक्ट लगेगा हमारा एक्सपोजर एंड गामा वाला, ये हो गया। चौथा इफेक्ट लगेगा हमारा शार्पन, तो शार्पन यहाँ पर नहीं दिख रहा कहीं पर, तो मैं शार्पन ऐड कर लेता हूँ। तो शार्पन इफेक्ट लग गया, इसको भी ऐड कर देंगे। फिर पांचवा इफेक्ट लगेगा हमारा सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और जो लास्ट इफेक्ट होगा वो हमारा हाइलाइट्स वाला होगा दोस्तों, हाइलाइट एंड शेडोज, इसको भी हमने ऐड कर लिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको गॉशियन ब्लर की सेटिंग्स को करना है 400 से 450 के अराउंड। तो मैं यहाँ से 450 ही कर लेता हूँ, हो चुका है। तो उसके बाद एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाएंगे। इसको दोस्तों करना है आपको -65 कर लेना दोस्तों, ज़्यादा फिर दिक्कत आ जाएगी। ऑफसेट इसको कर देना है ऐसे, गामा को -950, ये हो गया। और ऑफसेट को कर देंगे -10, ये हो गया, -11 हो गया, कम कर देते हैं। और इसको फिर आते हैं शार्पन पे। दोस्तों, शार्पन कर लेनी है आपको यहाँ से 60 तक, 0.60, ये हो गया इतना। फिर बैक करेंगे, फिर हाईलाइट्स पे आ जाएंगे। हाईलाइट्स को आपको यहाँ से कर देना है फुल। इतना होने के बाद दोस्तों बैक आएंगे और इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन कर देना है यहाँ से, डिफरेंस पे जाके सब्ट्रैक्ट। बैक आ जाएंगे दोस्तों, आपको एक और रेक्टेंगल ऐड करना है, इसको भी यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया कर लेंगे। कलर इसका रखना है वाइट और इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ से चेंज कर देना है कॉन्ट्रास्ट पर आके ओवरले। इतना हो जाने के बाद आपको अब अपनी मीडिया में से जिस भी वीडियो पर आपको इफेक्ट लगाना है उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं ये वाली वीडियो पे लगाने वाला हूँ, तो इसको आपको सिंपली क्लिक करके इन दोनों इफेक्ट के नीचे ले आना है, तो जो हमारा इफेक्ट है वो लग जाएगा। अब जो आपको दो इफेक्ट और लगाने हैं दोस्तों, वो आपको वीडियो पे लगाने हैं। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, तो पहला इफेक्ट होगा हमारा चैनल रिमैप, ये रहा दोस्तों। मैं यहीं से ऐड कर लेता हूँ चैनल रिमैप। इसमें आपको होगा RGBA, तो यहाँ पर कर देना इसको RYBA कर देना है सिंपली, बस और कुछ नहीं करना इसके अंदर। और दूसरा इफेक्ट होगा ग्रेडियंट ओवरले, एक मिनट सो ग्रेडियंट ओवरले आ चुका है, इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। ग्रेडियंट ओवरले पे जो फर्स्ट कलर होगा दोस्तों, इसको यहाँ पे वाइट कर देना है, और जो सेकंड कलर होगा इसको ब्लैक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना, सीधा नीचे आ जाना है यहाँ पे अल्फा पे, अल्फा को कर देना है यहाँ से 25%। कम कर लेते इसको, और ये हो गया हमारा 25%, ठीक है दोस्तों, 24 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से जो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, इसको नॉर्मल से मल्टीप्लाई पे कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बस दोस्तों हमारा इफेक्ट लग चुका है। और आपको इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके बिल्कुल एंड तक कर देना आपकी वीडियो के, तो आपकी जो वीडियो होगी वो 4K में हो जाएगी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।